2 जुलाई की दोपहर 2:30 बजे जिला हाथरस उत्तर प्रदेश का सिकंदरा राव जगह फुलरई गांव, ये वही जगह है जहां पे कथित बाबा स्वयंभू बाबा का समागम था और उसमें लाखों लोग आए थे। स्थानीय लोग नहीं थे, बाहर के लोग थे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज दिन भर यहाँ रहने के बाद, स्थानीय लोगों से मिलने के बाद, अस्पतालों में प्रशासन के लोगों से बातचीत करने के बाद जो कुछ बातें मुझे समझ में आई है, मैं आपको बताता हूँ ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई। सबसे पहली बात तो यह है कि बाहर से लोग आए, गाड़ियों में आए, स्थानीय स्तर पे लोग नहीं थे, बाहर के लोग थे, छोटे छोटे गाड़ियों में आए इस समागम में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि इनका इन पर भरोसा है। ये कुछ जो लोग मर गए, घायल हो गए, उनके चप्पल और बाकी चीजें अभी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हुआ क्या हुआ। सबसे पहले ये कि लाखों की भीड़ यहाँ पे आई, समागम चला, जब बाबा यहाँ से निकल गए उसके बाद भक्तों में या उनके अंध भरोसा करने वाले लोगों में होड़ लगी, उनकी गाड़ी जहाँ से निकली वहाँ की मिट्टी उठाने के लिए, और वहाँ से जो भगदड़ मची, यहाँ से लोग निकले और सड़क के दूसरी तरफ खेत में जाकर के गड्ढों में गिरे और उसके बाद वो सब कुछ हुआ। अब समझिए, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि एक के ऊपर एक लोग पड़े हैं, बच्चे महिलाएं एक दूसरे के ऊपर दबी हुई हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। तो पहली गलती इस बाबा की है, इस कथित बाबा की है। दूसरी गलती प्रशासन की है कि जब लाखों लोग यहाँ आ रहे थे, प्रशासन की अपनी टीमें होती हैं स्थानीय स्तर पर, उनके पास जानकारी होती है, क्या उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था होती, दूसरी जरूरी चीजों की व्यवस्था होती। उसके बाद जब यहाँ से घायल लोग हो गए और स्थानीय लोगों ने उनको निजी वाहनों से, प्राइवेट वाहनों से पास के सिकंदरा राव अस्पताल में पहुंचाया, जो कि सामुदायिक केंद्र है और वहां पर ट्रॉमा सेंटर भी है, तो वहां पर जरूरी इंतजाम नहीं थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, जनरेटर नहीं थे, वहां वो सुविधाएं नहीं थे जो घायल लोगों को अगर शुरू के एक घंटे के अंदर मिल जाते, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, तो अभी जो आंकड़ा आपको दिख रहा है मौत का वो नहीं होता। तो ये दूसरी बात हो गई। पहले यहाँ पे लापरवाही हुई, प्रशासन की तरफ से जरूरी इंतजाम नहीं थे, अस्पताल लोग पहुंचे वहां जरूरी इंतजाम नहीं थे, वहां वो इंतजाम नहीं थे जिससे लोगों को बचाया जा सके। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि भले सरकार ये कह रही है, प्रशासन ये दावा कर रही है कि 116-117 लोगों की जान गई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से घायलों को, मृतों को गाड़ियों में लाद करके यहां से भेजा है, वो इस आंकड़े पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग जो गाड़ियों में आए थे, उनके जान पहचान वाला जब मरा तो वो चुपचाप उसको लेकर के चले गए अपनी गाड़ियों में, वो नहीं गए अस्पताल, वो नहीं गए ट्रॉमा सेंटर, वो नहीं गए सिकंदराबाद, माफ करिएगा, हाथरस के अस्पताल, तो उनकी गिनती नहीं है। तो ऐसे बहुत से बड़ी संख्या है जिनकी गिनती नहीं है। अस्पतालों में वही लोग गए जिनको यहाँ से प्रशासन लेकर के गया बाद में, या स्थानीय लोगों ने भेजा, जिनको कोई पहचानने वाला नहीं था, तो इसलिए यह संख्या कम है। दूसरी बात है कि जो लोग ये बता रहे हैं कि चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, जो स्थानीय लोगों ने बताया बचाया उनको, वो ये कह रहे हैं कि हमने उनको गाड़ियों में भेजा है, हमने उनको छोटी छोटी गाड़ियों में लाद करके भेजा, तो हमें इस आंकड़े पे भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर के 24 घंटे से ज्यादा का समय होने वाला है उस घटना के होने के बाद, अभी तक ये जो कथित बाबा है इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई है, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, हम घटना का जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं दोषी कौन है, लेकिन दोषी साफ साफ यहाँ दिख रहा है, दोषी दो ही लोग हैं, एक ये बाबा, ये कथित बाबा, और दूसरा प्रशासन, प्रशासनिक अमला, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग, बड़े पदाधिकारी जो कल से आज तक यहाँ पे लगातार कैंप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के आने से पहले सड़कें साफ करवाई जा रही हैं, अस्पताल साफ करवाए जा रहे हैं, लेकिन कल जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे तो उनको उनके भरोसे पर छोड़ दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो हादसा है, ये न तो प्राकृतिक हादसा है, न ही अचानक से तो हुई ही, लेकिन अचानक से हुई हादसा के बाद जो बचाव के जरूरी उपाय होने चाहिए थे वो साफ तौर पर यहाँ नहीं थे, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई है। आप अस्पतालों में जाइए, आप जहां पे पोस्टमार्टम होता है वहां जाइए, आप लोगों से मिलिए, देखिए उनको भटकते हुए, बिलखते हुए, अपनों को खोजते हुए, लोगों के आंसू सूख गए हैं, क्योंकि कितनी देर तक आप रोएंगे। एक परिवार मुझे ऐसा मिला जिसने बात नहीं की कैमरे पे, उसकी पत्नी मर गई है लेकिन पति कहाँ है, पति मजदूरी कर रहा है, वो अपनी मजदूरी छोड़ करके नहीं आ पाया है, तो उस महिला के पिताजी आए हैं, उसकी चाची आई है लेकिन पति नहीं आ पाया क्योंकि उसको मजदूरी भी तो करनी है। एक दूसरा परिवार मिला जिसकी एक महिला मर गई है और वो व्यक्ति देश के किसी दूसरे हिस्से में मजदूरी कर रहा है, वो वहां से ट्रेन पकड़ चुका है, वो 2 दिन बाद आएगा। कुल मिलाकर के ये वो लोग हैं जिनको जीते जी
व्यवस्था का कोई सुख नहीं मिलता है, व्यवस्था की तरफ से कोई फायदा नहीं मिलता है। ज्यादातर लोगों को उन्हीं लोगों की मौत हुई है, इसलिए उनके मरने पर उनके इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जुटने के बाद भी व्यवस्था की तरफ से कोई उपाय नहीं था। मैं आखिर में फिर कंक्लूड करते हुए कहता हूं कि हाथरस में जो घटना हुई है उसके पीछे दो पक्ष साफ साफ जिम्मेदार हैं। एक ये बाबा, ये व्यक्ति जिसने इतने लोगों को बुलाया, बिना इंतजाम के बुलवाया, इनके आयोजक, और दूसरे शासन प्रशासन के लोग। शासन प्रशासन के लोग का मतलब हुआ हाथरस के जिलाधिकारी, हाथरस के स्थानीय कर्मचारी जिनको इसकी व्यवस्था करनी थी, और राज्य के मुख्यमंत्री भी।